हो गई है एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपको कल के बाद में बताया कि मैं आ चुकी हूँ अब अगस्त मुनि अपने कॉलेज के लिए। वैसे प्लान तो कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉलेज में जब मैं यहाँ थी तब तो कुछ होता नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ से गई तो आज ये प्रोग्राम, कल ये टेस्ट, परसों वो सब, इतनी सारी चीज़ें होने लगी कि मेरे को फिर अचानक ही वापस आना पड़ा। तो इसलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत शहर अगस्त मुनि से। और देखिए यहाँ पे देखने भी आ रहे हैं मेरे को कि कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से। और ये है हमारा क्लासरूम, लेकिन आज प्रोग्राम है हमारा जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, जो आप लोग पूछते रहता है कि मैं किस सब्जेक्ट से एमए कर रही हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही हूँ। तो जो हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है ये कॉलेज की एक्टिविटी में बहुत शामिल रहता है और हम लोग आए दिन ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आज भी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है कॉलेज में और पसीना देखे कितने ज़्यादा आ रहे हैं। और ये है मेरी दोस्त पूजा, आप तो इसको देखते ही रहते होंगे। पूजा हमारे ब्लॉग देखती है, हमेशा मेरे ब्लॉग देखती है, तो ये मेरी क्लासमेट है पूजा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा सेमेस्टर है यहाँ, हाय विक्रांत। हेलो 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 हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड वाली, उत्तराखंड वाली गाइस। तो उत्तराखंड वाली को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें, बिल्कुल आते रहेंगे। और ये है हमारे क्लासमेट जो कि हो रखे तैयार, ये है भारत माता। हेलो करो साहब, हाय हाय हाय, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं झंडे। चलो चलो चलो, देखो यार इसको देखो यार, क्या नाम है? पूनम। पूनम, पूनम कितनी सुंदर लग रही। पूनम क्या बनी हुई है? हाँ झांसी की रानी। अरे वाह यार भयंकर लोग। चलो चलो अब ऊपर जाने की हो रही है तैयारी। और कुछ होना हो, मेरे लिए कैमरा छुपाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। मैम कहती है बैग लेके मत आना कहीं भी, और मुझे बैग लेके जाना पड़ता है क्योंकि मेरा फोन स्टैंड वगैरह, तो मैं पूछती हूँ कि बैग लेके जाना है कि नहीं। ए बैग लेके जा रहे हैं, बैग बैग लेके जा रहे हैं यार, ए लेके जाओ ना यार बैग, बैग लेके जा रहे हैं। नहीं मैं उठा लेती हूँ यार अपना बैग, मुझे इसमें कैमरा वगैरह रखना है। अंदर है हमारा सेमिनार हॉल और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाए कि नहीं जाए, क्योंकि मैम ने हमको बोला कि पॉलिटिकल वाले जितने भी हैं बाहर पे रहो, तो मैम के पूछने जा रखे हैं और डर लगती है। मैम बहुत खतरनाक है हमारी। मैम तो नहीं है वहाँ पे? ये मैम तो नहीं है? देखो वहाँ पे कुछ बच्चे दिख रहे होंगे अंदर सेमिनार हॉल में। देखिए इतना बड़ा हॉल है हमारा। देखिए हमारी ब्यूटीफुल भारत माता ने क्या कर रखा है, मुकुट पहना दो माता को। देखो आलता फैला दिया यार, इसको आलता बोलते हैं ना। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी पहले मेहंदी दिखाओ। देखो ये है मेहंदी और ये है पश्चिम बंगाल वाले, ये वहाँ के लोग लगाते हैं ना इसको। हाँ तो ये है आलता, पर दीदी ने अपने उसमें भी लगा दिया, देखो कपड़ों में भी लगा दिया। हाय कर दे, मिल चुकी है हमें ऐश्वर्या। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज प्रोग्राम है तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का, बिल्कुल जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। महात्मा गांधी अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद मातरम, ये प्रयास किया कि हिंदू समाज है अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय। कुछ नहीं, पिता जिसके रथ
फोटो लेने जाओ चलो चलो चलो। बाकी बच्चे जा रहे हैं बाहर और जो पॉलिटिकल वाले हैं वो रहेंगे सब अंदर। क्या फोटो खींचनी है? ठीक है ओके बैठो ऐसे बनाओ ना लाइन यहाँ ऐसे करके, नहीं तो सर हम पीछे बैठ दें। जय मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। ये पहले तीन लोग, कितने लोग हैं? कुछ आपसे बताएंगे? एक दो तीन रसिम के लड़के इतने कम थे क्या? नारी सीख जाते हो इस लड़के को? यहाँ रहता है। थैंक यू। यहाँ रहता है ना ये, यहाँ हॉस्टल में। दो मिनट रे, अच्छा वापस कर। नहीं मेरे को यही चाहिए ये वाली। अरे ये वाली चाहिए, मूंग दाल। दीदी बाय। तू भी कर। हाँ बना रही हूँ अभी। बाय बाय टाटा। निकाल रखे वैसे पहले से। और ये है कूड़ा करकट। कोई नहीं जब बाय। कॉलेज से तो मैं आ गई हूँ और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। मतलब सुबह से इतनी उमस हो रही थी कि पता चल रहा था कि बारिश आनी है और आ चुकी है। और यहाँ पे मेरे रूम पे उतनी व्यवस्था है नहीं क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। खैर यहाँ पे तो लाइट की भी समस्या है, इसलिए मैं चार्जर लेके जा रही हूँ जहाँ पे मैं जा रही हूँ कि मैं फ़ोन चार्ज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एट अ टाइम फ़ोन चार्ज करके रखना पड़ता है। कब चार दिन के लिए लाइट चली जाए कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ और फ़ोन चार्ज भी वहीं करूँगी। तो ये है हमारा फैमिली रेस्टोरेंट, बिल्कुल फैमिली जैसा ही व्यवहार हो रखा है। ज्योति बैठ रखी पीछे और वो भी जाते हैं यहीं पर खाना खाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि मतलब यहाँ पर पूरा घर वाला खाना है हमारा, कि अंकल जी खाना बना दो भाई, खाना है। तो ये वही वाला सीन हो रखा हमारा। और यहाँ पे हो रखी है पूरी मोमोज बनने की तैयारी। अभी प्याज कटे नहीं है, शायद प्याज कट के इसमें जाएंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे वापस से अगस्त मुनि में देखे? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं देहरादून में ज़्यादा सही हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि अगस्त मुनि जाओ वापस, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। तो फिर से आ गई हूँ मैं मंदाकिनी नदी के तट पे इस व्यू को एंजॉय करने और रील बनाने के लिए। मैं और हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं, हम लोग रील बनाने के लिए आए हैं। और इतनी पसीना पता मुझे क्यों आ रही है, वैसे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। मैं इससे पहले भी आई थी, हमने रील बनाई, उसके बाद से मैं कपड़े चेंज करने गई। मैंने कहा नहीं यार आज मौका मिल रखा है, आज तो मैं चुकाऊंगी नहीं, तो मैं कपड़े बदल के फिर से आ गई। और ये है मेरे मित्रगण। आज मैं ट्राइपॉड गलत तरीके से पकड़ा हुआ है, इसके साइड में दिखाई भी दे रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोनिका जी ने आज रील बना के मतलब क्या बोलूं मैं, पहले तो दो बार कपड़े चेंज कर लिए। बताओ। वही तो मेकअप कहाँ लग रहा है यार, आपको लग रहा है मेकअप है? वही तो, ये नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी बस। और पसीना आ गया यार अब, इसे उसने इसे पहले देखा ही नहीं, इससे पहले तो कुछ ज्यादा ही था, पसीना पसीना से हो गया। ये कैसा रगड़ू पड़ रखा है यहाँ, मतलब मैं यहाँ रही नहीं तो ऐसा रगड़ू पड़ गया है यहाँ। बताओ की वजह से आंसुओं से रोया है पूरा। वही तो, ज्योति की भी हो रही। हाँ कर ब्लॉग शुरू कर रही, कह रही तुम्हारी सारी छपरी हरकत में इसमें दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में बिहाइंड द सीन। मैंने एक चीज महसूस की कि मैं कुछ दिन अगस्त मुनि में नहीं रही, यहाँ पे भी काफी सारी बारिश आई और लोग कहते हैं कि उतनी ज्यादा नहीं। मैंने कहा शुक्र है कि देहरादून जितनी बारिश नहीं आती यहाँ, यहाँ तो भाई कुछ भी बारिश नहीं आती। तब देखो कैसे हाल हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऊपर से नदी आती होगी, जो कि ये रास्ता है, ये रोड है। मतलब ये देखिए, ये है रोड और रोड के हाल ये है। कौन है वो
खतरनाक राइडर जो इस पे गाड़ी चला सकता है ये बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ गाड़ी लेके आता होगा। देखो, और वो है एलएनटी कंपनी की रोड जहाँ पे सब लोग घूमने जा रहे हैं शाम को। बहुत ज्यादा आफतदारी है, जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरी रील देख रहे हैं ना भाई, ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, आसान काम नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल आ रहा है। हमारे साथी भी हमारे साथ रील बनाएंगे दोस्तों, इनका सही है, चढ़ाई चढ़ के इनको फिर भी देखिए, मतलब कोई भी जैसे बोलते ना एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। हमें परेशानी हो रही है कि यार मोनिका इतना अच्छा डांस कर रही है, हमें मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और जो वीडियो बना रही हो तो और भी अच्छी। देखिए लोगों को ऐसा व्यू मिलता नहीं है और ये लोग संतुष्ट नहीं है इतने अच्छे व्यू से भी। क्यों, चलो चलो ऊपर चलते हैं फिर, यहाँ है बढ़िया जंगल। क्या बोल रहे हैं, हमें और अच्छा व्यू चाहिए। अच्छा, इन्हें और अच्छा चाहिए। $1 तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम में से कोई डांसर तो है नहीं, तो हम लोग डांस करना चाह रहे हैं एक जैसे स्टेप, तो हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर लोकेशन की ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे बहुत घास घास है ना बरसात के मौसम पे, तो मच्छर इतने ज्यादा हो रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग एक टाइम पे खड़े नहीं रह पा रहे यहाँ पर से। तो होगी अब लोकेशन चेंज, और ब्लॉगर भी यहाँ बहुत सारे हैं, तो ज्योति भी बना रही है ब्लॉग। क्या रही ब्लॉग बनाओगी, खुजली करूँ। और एक हमारा भाई आ रहा है, इसको उठा के हम डांस करेंगे। ओ भाई की मदर भी आ रही है। चलिए फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। मुझे मेरी आवाज में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा ना, ये मुझे देहरादून से ही जुकाम लगा हुआ है और इतनी जोर से कि मैं बता भी नहीं सकती। और करते हैं आज की ब्लॉग को यहीं पे खत्म, बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।